बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके मामले पर अभी तक पुलिस 16 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस अभी भी ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही है जो सुशांत सिंह के जाने से 10 दिन पहले तक एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और साथ ही सुशांत के भी कांटेक्ट में थे। पुलिस जानना चाहती है कि सुशांत फिल्मों के ना मिलने से तनाव में थे या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। बता दें कि सोमवार को बांद्रा पुलिस ने सुशांत सिंह दो की दोस्त रोनी अय्यर से पूछताछ की। रोनी बॉलीवुड स्टार की पब्लिसिटी का काम देखती है। वहीं रविवार की शाम पुलिस ने सुशांत सिंह के दोस्त सिद्धार्थ पट्टानी से पूछताछ की। सिद्धार्थ सुशांत फ्लैट के साथ ही रहते हैं और उनके काफी अच्छे दोस्त भी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थ और रेहा ही सुशांत के सबसे ज्यादा करीब थे। पुलिस पहले ही रिया से 9 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। रविवार को सिद्धार्थ से भी पूछताछ की गई। वहीं अब खबरें आ रही है कि दोनों के बयान लेने के बाद अब पुलिस सिद्धार्थ और रिया को बैठाकर आमने सामने दोनों से एक साथ पूछताछ करेगी। वहीं रिया और सुशांत के बीच रिलेशनशिप के साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप की बात भी पुलिस को जांच में पता चली। बता दें कि सुशांत जल्द ही प्रोड्यूसर बनने वाले थे। सुशांत अपने जिद्दी दोस्त संदीप सिंह के साथ वंदे मातरम फिल्म बनाने वाले थे। संदीप ने अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत को याद कर पोस्ट में इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया था। नेक्स्ट 9 लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।